दोस्तों आज के ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई एमरेन के स्मार्ट वॉचेस के वारंटी को क्लेम कैसे करें या फिर एमरेन के किसी भी प्रोडक्ट का क्लेम कैसे किया जाता है। तो अगर आपके पास एमरेन का स्मार्ट वॉच है, एमरेन का कुछ और प्रोडक्ट है, पावर बैंक है या फिर कुछ भी है एंड अगर वो वारंटी पीरियड के अंदर खराब हो चुका है या फिर रिपेयर कराने की जरूरत है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वारंटी को क्लेम कैसे कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एमरेन इंडिया ना एक काफी जाना माना ब्रांड है, आपको बजट रेंज में काफी सही प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, पावर बैंक्स, डेटा केबल्स एंड इस तरीके की बहुत सारी चीजें बनाता है एंड करेंटली ना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है स्मार्ट वॉचेस को लेकर के। काफी सही रेंज में, बजट रेंज में अच्छे अच्छे आपको स्मार्ट वॉचेस एमरेन अभी प्रोवाइड कर रहा है। मेरे पास भी है एमरेन वाइज जोन स्मार्ट वॉच जिसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारा वीडियो दे रखा है, एमरेन वाइज जोन प्रो, एमरेन फिटशॉट फ्लैक्स, एमरेन वाइज ईयन रोम, इस तरीके के बहुत ही बजट रेंज में बहुत ही अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉचेस लेकर के एमरेन आ रहा है। सो गाइस एमरेन के किसी भी प्रोडक्ट का वारंटी कैसे रजिस्टर करना है इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दे रखा है, नहीं देखा है आई कार्ड में लिंक आ रहा है, जाकर के देख लो। क्योंकि क्लेम करने से पहले ना आपको आपके प्रोडक्ट का वारंटी को रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करोगे तभी आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो नहीं देखा है वीडियो, नहीं किया क्लेम, बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, यहाँ पे लिंक आ रहा है, जाकर के देख लो एंड फटाफट से पहले रजिस्टर कर लो, उसके बाद फिर क्लेम करना। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखता रहेगा बगल में जिन्होंने कर रखा है रजिस्टर। चलो आप बताता हूँ कि क्लेम कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या है ना, आपको अपने फोन पे ब्राउजर पे चले जाना है या फिर लैपटॉप में किसी में भी, तो ब्राउजर पे चलो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। अब यहां पे ना आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एमरेन वारंटी क्लेम, सर्च करते हैं, देखो ये सर्च ले रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले आ चुका है, आपको यहां पे मिलेगा कि फॉर दिस यू मे राइट आवर कस्टमर सपोर्ट टीम एट इतना ईमेल एड्रेस है या फिर हमें कॉल कर सकते हो मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब ना क्लेम करने के आपके पास तीन ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस यानी कि आपको वारंटी क्लेम कैसे मिल पाएगा। सबसे पहला ऑप्शन, या तो आप इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे care@emrainindia.com पे जाकर के अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, साथ ही साथ वहाँ पे अटैच कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया या जो भी इशू है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके ईमेल आईडी में उसको अटैच कर सकते हो एंड पूरा मैसेज लिख सकते हो कि वारंटी के लिए आप ये लिख रहे हो, तो आपको वहां से भी आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ सिंपल सा, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है इनका सपोर्ट का, फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप उनको अपना दिक्कत बता सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था इतने इतने तारीख को, मेरा ऑर्डर नंबर ये है, मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ से भी लिया था जिस वेबसाइट से भी लिया था एंड प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है तो मुझे वारंटी क्लेम करना है ऐसा वैसा, तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट, यानी कि पहला आप ईमेल एड्रेस उनको रीच आउट कर सकते हो, दूसरा आप उनको फ़ोन करके रीच आउट कर सकते हो और तीसरा आप जा सकते हो सीधे डायरेक्टली खुद से इनके सर्विस सेंटर्स पर। मोस्ट ऑफ द सिटीज में एमरेन के सर्विस सेंटर अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, किस जगह पे है, वो चीज़ के लिए आपको यहाँ एक लिस्ट मिल जाएगा, चलो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वारंटी पॉलिसी का नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर ना आपको इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे ये इनका जो वारंटी है वो वैलिड रहेगा और क्या अगर आपने नहीं फॉलो किया है या फिर आपने ब्रेक किया है रूल्स को तो आपका वारंटी नहीं वैलिड रहेगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके तो नहीं बताने वाला, एक दो आपको बता सकता हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट जो है इनके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं कि आपने कोई और तरीके से यूज किया है एंड आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसके लिए एमरेन जिम्मेदारी नहीं लेता है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा नो रिपेयर अटेम्प्ट, यानी कि कुछ भी आपने उसमें छेड़छाड़ नहीं किया हो खुद से रिपेयर करने का, तभी ये वैलिड रहेगा। अगर आप खुद से ओपन कर रहे हो, देख रहे हो, फिर उनको भेजोगे बनाने के लिए, ये इनवैलिड होने वाला है। फिर ये कह रहा है ना कि एमरेन इंडिया विल रिटेन एनी रिप्लेस्ड पार्ट्स और कंपोनेंट्स, यानी जो भी पार्ट्स ये बदलेंगे ना वो खुद रख लेंगे। फिर और एक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपका प्रोडक्ट नॉन रिपेयरेबल है तो आपको ना इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगा, सेम ही मिल जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का। अब वेबसाइट के नीचे नीचे चलोगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर सपोर्ट का, कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप अस अ लाइन, यानी कि आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है, अपना नाम डालो, ईमेल एड्रेस डालो, फोन नंबर डालो और क्या आप बात करना चाहते हो मैसेज यहाँ पे आप लिख कर भेज सकते हो। अब जो मैं तीसरे पॉइंट का बात कर रहा था ना सर्विस सेंटर वाला, तो आपको नीचे नीचे देखने को मिल जाएगा डाउनलोड कंप्लीट सर्विस सेंटर्स लिस्ट, इस पे क्लिक कर देते हियर पे, देखो ये डाउनलोड हो रहा है, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एंड आपका ओपन हो जाएगा, ओपन होने देते हैं। तो देखो गाइस पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो चुका है, एक बहुत ही बड़ा सा 13 पेज का पीडीएफ है। इसके अंदर ना आपको अलग अलग एरिया के सर्विस सेंटर्स के नाम एंड यहाँ पे आपको फोन नंबर एंड ईमेल आईडी देखने को मिल जाएंगे लोकेशन के साथ।
तो यहाँ पे आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें से आप ढूंढ सकते हो। ढूंढने का आसान तरीका मैं बताता हूँ, ऊपर में आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड फाइंड वाले पे मैं अपना सिटी का नाम डालता हूँ रांची का, देखता हूँ कि रांची में है या नहीं है। एंड ये रहा, आपको एक रेड मार्क करके दिख गया, देखो रांची लिखा हुआ आ चुका है। एंड इसका लोकेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो माँ गौरी सर्विसेज लालपुर चौक पे ही है। तो इस तरीके से आपका एरिया जो भी पड़ता है ना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आप रहते हो, मान लो अगर आप रहते हो पटना में, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे पटना, तो पटना लिख के आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। देखो ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा येलो कलर का मार्किंग में ये है, देखो पटना पे ये कहाँ पे है, ये पटना पे है अंबिका टेलीकॉम पटना बिहार। आप यहाँ पे सर्विस सेंटर्स का लिस्ट निकाल सकते हो, लिस्ट निकाल करके आप अपने एरिया पे पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पे है, वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके विजिट करो, अपना प्रोडक्ट ले जाना, उसका इनवॉइस भी ले जाना डाउनलोड करके जहाँ से भी आपने परचेस किया है, बिल दिखाना उनको एंड वारंटी के लिए उनसे बात कर लेना, आपको रिपेयर करके वहीं पे मिल जाएगा, कुछ टाइम लगेगा तो आपको बता देंगे। सो गाइस यही था एम्ब्रेन के प्रोडक्ट्स का वारंटी क्लेम का वीडियो, काफी डिटेल में मैंने बताया है। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है बेझिझक कमेंट कर दो, पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर दे दूंगा। शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।